नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। बॉलीवुड में अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरने वाले गायक उदित नारायण आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उदित नारायण ने हिंदी के अलावा तमिल, मलयालम, कन्नड़, बंगाली और भोजपुरी भाषा में भी गाना गाए हैं। 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले उदित नारायण का जन्म 1 दिसंबर 1955 को बिहार के सुपौल जिले में हुआ था। कम ही लोग जानते हैं कि उदित नारायण ने 2 शादियां की हैं, जिसे उन्होंने काफ़ी समय तक छुपा कर भी रखा था। आज सिंगर के जन्मदिन के अवसर पर चलिए आपको बताते हैं उनकी ज़िंदगी से कुछ जुड़ी रोचक बातें। उदित नारायण का पूरा नाम उदित नारायण झा है। सिंगर ने बॉलीवुड नहीं, नेपाली फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अपना पहला गाना नेपाली फिल्म सिंदूर के लिए गाया था। करीब 10 साल तक संघर्ष करने के बाद उन्हें कयामत से कयामत तक का गाना पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा गाने का मौका मिला, जिनसे उनकी ज़िंदगी बदल दी। आमिर खान पर फिल्माए गए इस गाने को लोग आज भी पसंद करते हैं और इसी के बाद से ही बॉलीवुड में उदित नारायण की किस्मत चमकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उदित नारायण ने 1984 में बिहार में रंजना नाम की एक महिला के साथ शादी की थी। उस समय वो बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम नहीं थे और उन्हें अपना करियर बनाना था। ऐसे में वो अपनी पत्नी को छोड़कर मुंबई आ गए। मुंबई में उदित की मुलाकात दीपा गहतराज से हुई और दोनों को प्यार हो गया। दोनों 1985 में शादी के बंधन में बंध गए और दोनों को एक बेटा आदित्य नारायण है, जो कि एक प्लेबैक सिंगर हैं। पहली पत्नी रंजना नारायण को जब उदित नारायण की दूसरी पत्नी के बारे में पता चला तो उन्होंने दावा किया कि वह उनके पति हैं, लेकिन उदित इस बात को नकारते रहे। इसके बाद रंजना ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और तस्वीरें डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो उदित ने भी शादी की बात मानी। कोर्ट ने सिंगर को आदेश दिया था कि उन्हें अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।